हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्टसी ड्रीमर दीपिका। और मैं हूँ दीपिका। मैं वीडियोस बनाती हूँ फूड, फैशन, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, जो भी मुझे पसंद है उसके बारे में। तो बेसिकली अबाउट मी, अबाउट माय सेल्फ, अबाउट माय लाइफ। अगर आप भी मेरे साथ मेरी इस जर्नी में साथी बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है, आज का टॉपिक थोड़ा सा मेरे लिए पर्सनल है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह ही YouTube पर अपनी वीडियोस बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी रीज़न से वो अपने आप को रोक रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है उसके लिए। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बनाना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। आप अपना YouTube चैनल कैसे स्टार्ट करें, मैंने किस तरह से स्टार्ट किया, किस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ी, इस चीज़ पर मैं वो सारी जर्नी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो सकती है, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी यूट्यूब पर आएँ और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं कैसे यूट्यूब पर लैंड किया मैंने और किस तरह से मैंने सब कुछ स्टार्ट किया, अगर मेरी जर्नी के बारे में सुनकर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, अगर ये कर सकती है एक नॉर्मल सी लड़की तो हम भी कर सकते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी ये जानकर। और इस बारे में मुझे कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है पैशन। अगर आप भी मेरी तरह हैं, जिसको ऐसा लगता था बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखकर कि मुझे भी वीडियोस बनानी है, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ या मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले ज़रूरी है आपके अंदर पैशन होना। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो, आपके अंदर पैशन है कि हाँ आपको ये करना है, आपको सबसे बड़ी बात आपको खुशी मिलती है वो करने से, तभी आप वो कीजिए। ऐसे नहीं कि आप बस ऐसे ही भेड़ चाल में चल दिए कि हाँ ये भी बना रहा है, वो भी बना रहा है, तो मैं भी बना दूँ। नहीं, तो उस चीज़ में अगर आपको अंदर से खुशी नहीं मिल रही है तो आप कितना भी कीजिएगा आपको मज़ा नहीं आएगा। और अगर आपको उस चीज़ को करने में खुशी मिल रही है तो बेशक आप उसमें फेल हो जाइए। पहली बात तो अगर आप वो दिल से कर रहे हो तो आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, एक टाइम पर आकर आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन इन केस कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा कंटेंट इतना अच्छा नहीं हुआ या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, हमें किसी रीज़न की वजह से बंद करना पड़ जाए, 100 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इस चीज़ की, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं ऐसे भी, तो आपके मन में एक ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि अरे मैंने ट्राई नहीं किया। आप ट्राई तो करो, आप आओ, आपका पैशन है, आप करो, उसे फॉलो करो, आप एक बार ट्राई तो दो। और ट्राई ऐसे नहीं कि हाँ चलो आ गए कर दिया, नहीं, आप दिल से ट्राई करो, जेन्युइनली ट्राई करो, पूरी मेहनत के साथ ट्राई करो। क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम ऐसा कुछ भी आज के टाइम पे इतना कॉम्पिटिशन है, इतना कॉम्पिटिशन है कि आपको स्टैंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अब मैं बैठी और मैंने किया और चलो हो गया डन, अभी मेरी एक ही दिन में इतनी वीडियोस ऐसे हो जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मेरा इंस्टाग्राम भी बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है, उसी तरह मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो मुझे नहीं पता कि कब तक ये ग्रो करेगा, कैसे ये ग्रो करेगा, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है वीडियोज़ बनाना, मेरा पैशन है वीडियोज़ बनाना, मैं बना रही हूँ। और जब तक मुझे इस चीज़ में खुशी मिलती रहेगी मैं ये करती रहूँगी, ताकि कल को अगर किसी भी रीज़न से ऐसा होता है कि मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाई या ये नहीं चला, कुछ भी होता है, मैं अपने मन में ये रिग्रेट नहीं लाना चाहती कि ओ एक ट्राई कर लिया होता। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी मेहनत इसमें करूँ, पूरे दिल से इसको करूँ, और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो मेरे मन में ऐसा ना रहे कि मैंने मेहनत नहीं की। I tried my best, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट वॉज नॉट मेंट फॉर मी, पर आप एक स्टेप आगे तो आइए, आप ट्राई तो कीजिए। तो मैं यही सबको कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये पैशन है, आपको अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना, तो आप आइए, आप बनाइए, आप ट्राई कीजिए, आप मौका दीजिए अपने आप को। मैंने भी खुद को दिया है, आप भी दीजिए, हर कोई दे अपने आप को मौका किसी भी चीज़ में, उसको जो भी पसंद है आप मौका दीजिए, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, इतनी सारी एक्सपर्टीज़ है दुनिया में लोगों के पास, जिस भी चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है उसमें आइए और अपनी वीडियोज़ को पोस्ट कीजिए, कंटेंट डालिए। अगर लोगों को आपका कंटेंट पसंद आएगा तो 100% आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं मैं बोलूँगी आपको कि आप आज कंटेंट डालेंगे और चलो रातों रात आप बहुत बड़े कुछ यूट्यूबर बन गए। नहीं, ये चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं, और मैं आज की डेट में इस चीज़ को एक जॉब समझ के करती हूँ कि हाँ मैं कहीं काम कर रही हूँ, मैं एक जॉब पे हूँ और रोज़ मुझे वो काम पर जाना है। अपनी वीडियोस को शूट करती हूँ, इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाती हूँ, अपना बहुत सारा टाइम डिवोट करती हूँ मैं इसके ऊपर, ये सोच कर कि अगर मैं जॉब कर रही होती तो मैं जॉब पर भी ऐसी काम करती, ये भी मेरा काम ही है, इसको मैं काम की तरह देख रही हूँ अपने। तो जो सबसे पहली चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए वो होना चाहिए पैशन।
उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पैशन एक तरफ, लेकिन अगर आपके अंदर ये दूसरी चीज़ जो कि है कॉन्फिडेंस, वो नहीं है, तो उस पैशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और कॉन्फिडेंस भी आपका एक दिन में ग्रो नहीं करता, ये धीरे 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 बिल्डअप होता है। मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे, उसमें मेरे बोलने के तरीके में, और आज की मेरी वीडियो में जो आई थिंक 6th या 7th वीडियो ये होगी जिसमें आप मेरी बात करने का तरीका देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तब मुझ में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, अब मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, और धीरे 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 काम करते करते मुझ में और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस चीज़ के लिए मुझे पक्का पता है कि ये चीज़ भी धीरे 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 और बढ़ जाएगी मेरे अंदर। तो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, जिसमें सबसे मेजर चीज़ होती है अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को आप पूरी पब्लिक के सामने ला रहे हो। उस चीज़ के लिए बहुत गट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सामने रख देते हो, वहाँ आपको आकर लोग जज करेंगे। वो कुछ लोग आपको अच्छा कहेंगे, कुछ लोग आपको बुरा कहेंगे, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ सामने उड़ाएंगे, कुछ पीठ पीछे उड़ाएंगे, लेकिन आप अपने आप को सामने रख रहे हो लोगों के कि ये हूँ मैं, और अब तुम लोग मुझे देख रहे हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाँ उनके पास राइट है, वो राइटफुली हमें जज करे, लेकिन जब कोई हमें देखता है पब्लिकली, तो वो अपने माइंड में हमें लेकर एक जजमेंट बना लेता है, वो आपको जज करेगा ही करेगा। तो अपने आप को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पब्लिक के सामने रख देना कि हाँ ये मैं हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करता हूँ, ये सब करना, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कॉन्फिडेंस आपको एक दिन में नहीं आएगा, वो भी आपको धीरे 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 आएगा। आप बड़े से बड़े यूट्यूबर का वीडियो उठा लीजिए, उनकी फर्स्ट वीडियो चेक कीजिए। तो ये चीज़ हर इंसान को टाइम के साथ ही आती है, धीरे 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 आप ये चीज़ें सीख जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप एक बार स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, आप आइए, आप कीजिए। दूसरा रीज़न जो होता है कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप ना होने के लिए, वो होते हैं लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम मुझे भी लगती थी कि मैं अगर अपनी वीडियोस बनाऊंगी तो जो मेरे नोन है, जब आप YouTube स्टार्ट करते हो तो इतने ज़्यादा आपके एक्सटर्नल फॉलोअर्स नहीं आते हैं। जो आपका एक सर्कल होता है नोन लोगों का, आगे से आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आपने एक फ्रेंड को बोला, वो आगे किसी को बोलेगा, इस तरह से ही बढ़ता जाता है। और तभी आपको लोग जानने लगते हैं, तभी आप धीरे धीरे ग्रो करते हो। तो वो कुछ लोग जो आपको जानते हैं, आप ये सोचते हैं कि अरे वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो क्या बोलेंगे मेरे बारे में। कहीं वो ये सोचेंगे कि ये भी आ गई YouTube पे, इसके पास कुछ काम नहीं है करने को, तो ये YouTube पर वीडियोस बनाने लगी। ये कैसे बोल रही है, ये ऐसी वीडियोस बना रही है, ये वैसी वीडियोस बना रही है। मेरे पीठ पीछे भी 100 मेरी बातें करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो मेरे सामने मेरी बातें करेंगे, और कुछ लोग उसमें से भी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कोर, आपका एक कोर ग्रुप होता है जो आपका जेन्युइन क्रिटिक होता है। वो आपको जेन्युइनली बताएगा कि इस वीडियो में तुमने ऐसा किया। वो आपकी हर वीडियो देखेगा और वो आपको हर वीडियो में बताएगा इस वीडियो में तुमने ये गलती की, तो इस वीडियो में जो ये गलती की है वो अगली में मत करना। अगर आप अगली वीडियो में वो गलती नहीं करते, आप कुछ और गलती करते हो, तो वो आपका कोर ग्रुप जो होता है आपको बताएगा कि अरे तुमने इसमें वो नहीं किया, लेकिन नई चीज़ कर दी है। तो ये जो आपका एक कोर ग्रुप होता है ना, ये आपके जेन्युइन क्रिटिक्स होते हैं, और इन्हें आप हमेशा अपने सबसे पास रखिए। और जो बाकी लोग हैं उनको गोली मारो, उनको जो करना है उनको करने दो, उनको जो सोचना है आपके बारे में उनको सोचने दो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये लाइफ आपकी है, आपको ये काम करके खुशी मिल रही है। उन्हें किस काम से खुशी मिलती है, हो सकता है आपको वो काम पसंद ना हो, लेकिन ठीक है वो कर रहे हैं, वैसे ही आप हैं। आपको कुछ काम पसंद है, आप कर रहे हो, आपको उसमें खुशी मिल रही है, आप करो, लोगों की मत सोचो। जिस दिन आपके दिमाग से ये चीज़ हट गई कि हाँ लोग क्या कहेंगे, मैं कैसी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँ, ये ऐसे बोलेगा, वो वैसे बोलेगा, जिस दिन आप अपने दिमाग से ये चीज़ हटा देंगे, उस दिन आप देखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है, क्योंकि आपको खुशी मिल रही है वो काम करने में। आप किसी से खुशी मांग नहीं सकते, आपको जिस चीज़ में खुशी मिल रही है आप वो कीजिए। कोई आपको आकर नहीं बोलेगा कि अरे तुम उदास हो या तुम्हें खुशी नहीं मिल रही है तो लो मैं तुम्हें खुशी देता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको खुशी मिल रही है, आप कॉन्फिडेंसली वो कीजिए। भूल जाइए कि लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे। मैं अपना खुद का आपको बताती हूँ, मेरे नोन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि मेरा YouTube चैनल है, क्योंकि मैं चाहती भी नहीं उनको बताना। पॉसिबल है कि आज काफ़ी लोग हैं जो आपके पेट के पीछे आपका मजाक उड़ा रहे होंगे कि ऐसे करती है, वैसे करने लगी है, वीडियोज़ बना रही है और कुछ काम नहीं है, 100 चीज़ बोलेंगे आपके बारे में, लेकिन आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और उस दिन वही लोग आकर बोलेंगे कि अरे तुमने तब से स्टार्ट किया था और अब तुम देखो कहाँ पहुँच गए हो,
वही लोग आपकी वाहवाही करेंगे। तो आप ये सोचकर चलिए कि लोग कभी भी किसी को कुछ नहीं देंगे, जो आपको करना है अपने खुद के लिए आपको ही करना है, आपकी खुशी, आपका सब कुछ आपने ही देखना है, कोई आपको आकर नहीं देखेगा। उस दिन आप ये सोच लेंगे, आप खुद में एक चेंज फील करेंगे, मैं खुद इस स्टेज से निकल चुकी हूँ, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस, जो जो मेरे साथ हुआ, जिस तरह से मैंने सोच रखी, जिस तरह से मैंने यूट्यूब पर आने का सोचा और जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ, वही आपके साथ, कोई भी बात को मैं यहाँ पे बना नहीं रही हूँ, जो है जैसा है यही मेरा सच है। जो पैशन होगा और कॉन्फिडेंस होगा, इन दोनों चीजों को मिलाकर जब आप अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे ना, नो मैटर आपका कंटेंट चले नहीं चले, आपकी आज वीडियो अच्छा कर रही है, आपकी वीडियो पे 10 व्यू आए, 5 व्यूज आए, कुछ भी हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आपको वो मैटर नहीं करेगा कि कितने लोग देख रहे हैं, चली नहीं चली, क्योंकि एक चीज आपके मन में रहेगी, अरे मुझे अच्छा लगा ना बनाकर, मुझे मजा आया ना, दैट इज व्हाट आई वांट, मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, धीरे 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 आपका काम करने का तरीका अच्छा होता जाता है, आप इन चीजों को समझने लगते हैं, सब कुछ धीरे धीरे इंसान सीखता है, क्योंकि हर चीज में एक लर्निंग कर्व होता है और आप ऐसे ही ग्रो करते हो, हर ह्यूमन बीइंग हर जॉब में ऐसे ही ग्रो करता है, ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलता है। पैशन और कॉन्फिडेंस के साथ जो तीसरी चीज आपको करनी पड़ेगी वो होगा हार्ड वर्क, क्योंकि ये एक फुल टाइम जॉब है। आज की डेट में इंस्टाग्राम यूट्यूब पर इतने सारे, स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन, इतने सारे लोग आए हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, यू हैव टू स्टैंड आउट, यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल्स। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे, ये एक फुल टाइम जॉब की तरह ही होता है, उतनी ही मेहनत लगती है। अब इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाती हूँ, यूट्यूब के लिए कुछ ना कुछ वीडियो बनाती हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं कुछ कंटेंट क्रिएट करूँ, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करूँ। पर हाँ, ये पॉसिबल है कि जो मुझे लगता है कि लोगों के लिए वैल्यूएबल हो सकता है वो लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो आप एक चीज मत छोड़िए, जो है अपना हार्डवर्क, आप हार्डवर्क करते जाइए, अपने कॉन्फिडेंस के साथ चीजें करते जाइए, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, ये मेरा मानना है। और इसीलिए मैं ये चीज आपको बता भी रही हूँ कि आप हार्डवर्क कीजिए, कॉन्फिडेंस, पैशन हो, कॉन्फिडेंस हो और हार्डवर्क हो, तो ये तीनों चीज़ें मिला के एक ना एक दिन इंसान सक्सेसफुल ज़रूर होता है। और यही मानकर मैंने भी अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है।